कर्म मन का नाश कर, हर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर धन गाती, हरि हरि हंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया, यह काव्य पथ अपना लिया। योगेंदु देव द्वारा लिखित यह योग सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ, इसका स्वाध्याय हम यहाँ प्रतिदिन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा है, समझने समझाने जैसा नहीं है, बस स्वांतः सुखाए, अपने सुख के लिए बोलते रहो, गुनगुनाते रहो और आनंद भोगते रहो, बस ऐसी इसकी गाथाएं हैं। और इस ग्रंथ की रचना भी कोई श्रावकों के लिए नहीं की गई है, बातें भले ही बहुत की हो लेकिन मानो संघ में मुनिराज ने अपने लिए, अपने शिष्यों के लिए इस ग्रंथ की रचना की हो, संबोधन करते हुए। तो क्या मानता है, तेरा उपयोग कहाँ जाता है, तो कहाँ भटकता है, तो इन कौन सी क्रियाओं में लगा हुआ है, ये पुण्य भी पाप के समान ही है, यहाँ तक चर्चा कल हमने की थी। देखो कैसी कैसी बातें कहते हैं। दो गाथाओं का यह ग्रुप था एक प्रकार से, 71 और 72। एक बार इन दोनों गाथाओं को बोल लें हम, फिर आगे बढ़ेंगे। इनके संबंध में भी बहुत सारी बातें मुझे कहनी थी लेकिन ज़्यादा नहीं कहूँगा। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। लोह और सुवर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं, शुभ अशुभ छोड़े ज्ञानी जन, दोनों में अंतर है नहीं। हर पाप को, चाहे वो हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चोरी कुशील परिग्रह हो, क्रोध मान माया लोभ हो, या फिर मांस भक्षण मदिरा पान आदि इस तरह के कोई भी पाप हो, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसे पाप नहीं कहता हो। सारा जगत कह करके कहना चाहते हैं, ये कोई जैनियों की बपौती नहीं है। हिंदू भी उसे बुरा मानते हैं, मुस्लिम भी उसे बुरा मानते हैं, क्रिश्चियन भी उसे बुरा मानते हैं, पारसी, कन्फ्यूशियस, हर व्यक्ति ये कहता है कि चोरी करना पाप है, ये अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति ये कहता है कि कुशील अच्छा नहीं है, अपराध है, हिंसा पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, इस तरह की बातें बच्चे बच्चे बोलते हुए दिखाई देते हैं। माने हिंसा झूठ आदि इन सबको पाप सब कहते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम संप्रदाय वाले भी, जिनके यहाँ मांस भक्षण आदि एक आम बात है, वो भी ये कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए। कौन सा धर्म, कौन सी जाति संप्रदाय के लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद को अच्छा कहेंगे, कोई नहीं, सब बुरा कहते हैं। इसका मतलब पाप को तो पाप कहने वाले सब लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है इन सब में जो ये कहेगा कि पुण्य करना भी पाप है, ये किसकी हिम्मत है ऐसा कहने की। भले सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन, और जैन दर्शन में भी सबकी ताकत नहीं है जो किसी उपवास करते हुए कोई ये कह दे कि तुम पाप कर रहे हो, ऐसा कैसे कहे। किसी व्रतातिक अंगीकार करते हुए व्यक्ति को कह दें कि ये पाप है, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। कोई विरले पुरुष ही ऐसे हो सकते हैं जो इस प्रकार की बात कहें। ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं कि ये दोनों बेड़ियाँ हैं, चाहे लोहे की हो या सोने की हो, बंधन तो दोनों में है। आप बंधन की अपेक्षा से देखें तो दोनों ही समान हैं, दोनों में अंतर है नहीं, इसलिए ये पुण्य और पाप इनके जो बंधन के कारण हैं। देखिए पुण्य पाप और शुभ अशुभ में क्या अंतर है, पुण्य और पाप ये प्रकृतियां हैं,
पुण्य और पाप ये द्रव्य कर्म है, पुण्य और पाप ये बंधन है, शुभ और अशुभ ये परिणाम है। पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है, शुभ अशुभ बंधन नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं जब भाव कर्मों की दृष्टि से देखते हैं तो शुभ अशुभ कहा जाता है, जब द्रव्य कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो पुण्य पाप कहा जाता है। पुण्य और पाप बंधन कह करके पुकारते हैं, शुभ और अशुभ भाव कह करके पुकारते हैं। शुभ भाव के फल में पुण्य बंधता है, अशुभ भाव के फल में पाप बंधता है। बंधन तो दोनों में है, तो एक तो बंधन की दृष्टि से ये ज्ञानी जीव दोनों को समान कहते हैं। दूसरा ये कहा कि दोन शुभ अशुभ छोड़े, पुण्य पाप नहीं छोड़ सकते आप, पुण्य पाप परद्रव्य है, शुभ अशुभ मेरी विकारी पर्याय है। शुभ अशुभ छोड़ोगे तो पुण्य पाप अपने आप छूटेगा। हमें पुण्य पाप में कुछ नहीं करना है, वो तो जड़ की क्रियाएं हैं, उसमें कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन शुभ अशुभ परिणामों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो आप, शुभ अशुभ छोड़ें ज्ञानी जन, दोनों को छोड़ दें, शुभ भी छोड़ दें अशुभ भी छोड़ दें, फिर करें क्या ये बताओ। भोजन भी मत करो और उपवास भी मत करो ये कैसी बात हो गई भोजन करना अशुभ है और उपवास करना शुभ है, अरे दोनों को छोड़ दो। अभी दोनों छोड़ेंगे तो फिर करेंगे क्या, ऐसा कैसे होगा कि दोनों छोड़ दें, कि भाई ये दोनों से ऊपर एक कार्य है, अशुभ और शुभ से ऊपर, उसका नाम है शुद्धोपयोग। ज्ञानी जीव शुभ अशुभ दोनों को छोड़ देते हैं, दोनों को एक समान जानते हैं, अंतर है ही नहीं दोनों में। जब पुण्य को पाप कह करके पुकारा गया, जब शुभ परिणामों को भी अशुभ परिणामों के समान कहा गया, तो चित्त में सहज ही एक प्रश्न उठता है, जैसा कि कल बार बार उठ रहा था, कि क्यों कह रहे हो इसको, पाप क्यों कह रहे हो, व्रतादिक को पाप क्यों कह रहे हो, शुभ परिणामों को पाप क्यों कह रहे हो। तो एक बहुत बड़ा तर्क जो करणानुयोग के आधार पर सिद्ध होता है, उसमें कहा गया शुभ परिणामों से आप ऐसा समझते हैं कि पुण्य बंधता होगा, यही समझते हैं ना, अशुभ परिणामों से पाप बंधता है और शुभ परिणामों से पुण्य बंधता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहां कह रहे हैं कि शुभ परिणामों से पाप भी बंधता है, इसलिए दोनों एक समान है। आपको लगता है कि जब आप स्वाध्याय के परिणाम कर रहे हैं तो पाप भी बंध रहा होगा, आपको लगता है जब ये आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो पाप भी बंध रहा होगा, आपको लगता है कोई जीव दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाए तीर्थंकर परमात्मा की तो पाप भी बांध रहा है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है हमारे को। लेकिन भाई 24/7 सात कर्म बंध रहे हैं, आठ उदय में आ रहे हैं, ये तो करणानुयोग के आधार पे सब जानते हैं। आठों कर्मों में से आठों का उदय 24/7 24 घंटे सातों दिन नॉन स्टॉप चल रहा है, उदय आठ का और बंधन सात का। लाइफ में एक बार आयु बंधेगी, आयु लाइफ में एक बार बंधेगी, और बाकी सात कर्मों का बंधन नॉन स्टॉप चल रहा है, सोते हुए भी, जगते हुए भी, नहाते धोते हुए भी, यहाँ तक कि कोमा में पड़े हुए भी, बेहोश पड़े हुए भी, बेचेत बेहोश पड़े हों तब भी सात कर्म का बंधन नॉन स्टॉप चल रहा है। खाना खाते समय भी सात चल रहा है और स्वाध्याय करते समय भी सात चल रहा है। क्या साहब, ये तो करणानुयोग का नियम है, तो क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि आपके शुभ परिणामों के काल में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये चार कर्म भी बंध रहे हैं ना, कि हाँ ये पाप ही, इनकी सारी प्रकृतियां पाप रूप है, इनमें पुण्य है ही नहीं, इनमें पुण्य का नामो निशान नहीं है, इनमें पुण्य का अस्तित्व नहीं है, ये प्रकृतियां कैसी प्रकृतियां हैं, सोचो आप। पूरी 47 प्रकृतियां, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5, 47 बिल्कुल, ये ऐसा बंधन नहीं, ये एक ही 47 जैसा ही ये हाथ हो रहा है इनसे, हत्या हो रही है ये हमारी,
ये कर्म ऐसे बैठे हुए हैं जो घात कर रहे हैं अनुजीवी गुणों का, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का घात कर रहे हैं ये। माने ये गोलियां चल रही है हमारे ऊपर, कब चल रही है कि गलत काम करेंगे तब चलेगी ना, कि तुम ये जो कर रहे हो ये भी गलत है इन कर्मों की दृष्टि से, निरंतर बंधन चालू है। इसलिए भाई इन शुभ परिणामों को भी ज्ञानी जीव छोड़ते हैं। जो पाप बंधन में कारण बने मैं उसे कैसे भला जानूं, जो पाप बांधने में कारण हो मैं उसको भला कैसे मानूं। फिर दूसरी एक और बात जो तर्क मैं हमेशा दिया करता हूं, पहले भी कई बार कही है आपके बीच में बात, ये सुनो भाई, जिन चीजों के त्याग करने से पुण्य बंधता है, संयम से पुण्य बनता है, त्याग से पुण्य बनता है, भोजन आदि के त्याग से, विषय भोगों के त्याग से, पाप के त्याग से, घर गृहस्थी के त्याग से, पर पदार्थों के प्रति मोहों के त्याग से, इससे पुण्य बनता है ना। मैंने छोड़ दिया इसके प्रति अपनापन, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इन भोगों में रस नहीं है, मैंने ये छोड़ दिया, इससे पुण्य बंधेगा? तो ये जो पुण्य बंधा है ये भविष्य में उसी भोग सामग्री को कई गुना करके दिला देगा जो आपने छोड़ी है। अब मैं क्या करूं इसका, बोलो। मैंने यह बुरा जानकर तो इन भोगों का त्याग किया था, और त्याग करने से जो पुण्य बंधा उससे ये भोग सामग्री कई गुना ज्यादा होकर के मिलेगी। बोलो चाहिए क्या? अरे मुझे चाहिए ही नहीं ये चीज, तब तो छोड़ा था। अब ये शुभ भाव उसी को तो दिलाएगा। इस शुभ भाव की उपयोगिता क्या है बतलाओ? ये तो प्रसिद्ध है ना करणानुयोग में, कि यहां आप एक पत्नी का त्याग करोगे तो वहां मिनिमम 32 मिलेगी स्वर्ग में, 32 गुना होकर के मिलेगी। यहां कुछ भोग सामग्री विषय भोगों का त्याग करोगे तो स्वर्ग में जाकर के उससे कई गुना ज्यादा, असंख्यात गुना ज्यादा आपको भोग सामग्री मिल जाएगी। तो इसलिए छोड़ा था क्या मैंने? भोगों में रस नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है, इसमें मुझे मजा नहीं आता है, इससे विरक्त होकर के छोड़ा था ना मैंने, तो आनंद नहीं है ये जान करके छोड़ा, और छोड़ने के परिणामों से और कई गुना ज्यादा दिला दिया। अब क्या करें? तो ज्ञानी जीव कहते हैं ऐसा शुभ भाव हमें नहीं चाहिए, ऐसा पुण्य का बंधन हमें नहीं चाहिए, हमें इस पुण्य में अटकना नहीं है, ये पुण्य अटका देने वाला है, इसलिए नहीं चाहिए। पढ़ो प्रवचन सार 79 नंबर गाथा, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ऐसी चर्चा की है। 77 नंबर गाथा, वही पुण्य पाप की समानता की चर्चा की है। 77 नंबर गाथा, उसका पद्यानुवाद लिखा अपने कुंकुम शतक में दादा ने, उसमें पता है क्या लिखा? पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आछिन्न वे। 77 है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, जो इस बात को नहीं मानता है पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये तो सच्ची बात है, और जो नहीं मानता है उसका क्या होगा? संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आछिन्न वे। इसी तरह से 79 देखो आप, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, मूल गाथा में नहीं, जब टीका में बात करते हैं, मूल गाथा तो क्या है? चत्ता पावारंभम समुठि दो वा सुहम्मी चरियम्मी, न जहरी यदि मोहादि, न लहरी सो अपगम शुद्धम। समस्त पाप सब छोड़ पापारंभ, शुभ चारित्र में उद्यत भले, यही है ना गाथा? समस्त पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में प्रवृत्त हो जाने पर भी जिसने मोह को नहीं छोड़ा उस शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ये है मूल गाथा। क्या क्या लिखा? हाँ वही वही है, उसी में है व्यभिचार की चर्चा क्या की है उसमें, इसकी टीका में इस शुभोपयोग परिणति के लिए धूर्त अभिसारिका की चर्चा, ये वही गाथा है। शुभोपयोग परिणति के चक्कर, धूर्त अभिसारिका के चक्कर में उलझ गया, और पता है क्या लाइन दी है कि उसके महा दुख संकट निकट है, अति निकट है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये सब गृहस्थों के लिए कही, अरे गृहस्थों के लिए नहीं,
मनेराजियों के लिए बात है, जिसके जीवन से जिसकी लाइफ से किसी भी प्रकार का पाप नहीं झलकता हो वो व्यक्ति गृहस्थ होगा कि साधु होगा, ऐसे साधु के लिए बात कही है। फिर भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी यदि मोह नहीं छूटा। वो कौन सा मोह है आखिर जिस मोह की चर्चा इस गाथा में की गई है, ये मोह कौन सा है? ये बाल बच्चों के प्रति वाला मोह नहीं है क्योंकि ये तो छोड़ दिया है, घर गृहस्थी के प्रति वाला मोह नहीं है तो छोड़ दिया है। तो कौन सा मोह नहीं छूटा कि देह में एकत्व बुद्धि वाला मोह। परिवार के प्रति मोह वाले में कुछ दम नहीं है, ये तो अनंत बार छोड़ा है हमने। अच्छा छोड़ा है क्या? अतुल भाई परिवार के प्रति मोह वाला भी छोड़ा है हमने मोह? छोड़ा है, द्रव्यलिंगी साधु अनंत, द्रव्यलिंगी साधु होकर के छोड़ा है। अरे छोड़ा क्या है, अनंत बार छूटा है, छूटा भी है। देह छूटते ही परिवार के प्रति मोह नहीं रहता अपने आप ही छूट जाता है क्या? ये जीवन पूरा हो गया। और सुनो, एक इंद्री से चार इंद्री तक के भाव अनंत बार धारण किए, वहां तो बाल बच्चे माता पिता होते ही नहीं है, समूर्छन है सब, परिवार ही नहीं, उसके प्रति मोह का सद्भाव ही नहीं है वहां। असली मोह तो शरीर के प्रति मोह है, देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाला मोह है। ये छोड़ना महत्वपूर्ण है, ये नहीं छोड़ा, हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, कुशील सेवन नहीं है, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा जो ज्ञानी जीव समझते हैं वो शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ देते हैं। ये बात यहाँ 72 नंबर गाथा तक कही गई। जब इस प्रकार की बात कही गई कि शुभ और अशुभ दोनों छोड़ें, तो फिर इसने कहा कि ठीक है मैं सब छोड़ता हूं, सारी प्रवृत्तियां छोड़ दी मैंने, अब टीवी भी नहीं देखूंगा, दूरदर्शन भी नहीं और देवदर्शन भी नहीं, सब छोड़ दिया। अब दूरदर्शन और देवदर्शन, दूरदर्शन पाप और देवदर्शन पुण्य, दोनों छोड़ दिया आपने। अब मैं उपन्यास भी नहीं पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ूंगा और ये भी नहीं पढ़ूंगा, दिनवाणी भी नहीं पढ़ूंगा, सब छोड़ दिया मैंने, अब तो ठीक है, अब तो मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो कहते हैं सुन, ये बाहर में छोड़ने से छूटता नहीं है और ग्रहण करने से ग्रहण होता नहीं है, तू क्या छोड़ने की सोच रहा है और छोड़ना क्या है तू देख उसे। 73 नंबर बहुत महत्वपूर्ण गाथा, देखे आगे। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन निर्ग्रंथ, तब ही तू बने निर्ग्रंथ, जब हो जाए तू तब मुक्ति का मार्ग मिले। ओ क्या कह रहे हैं, तूने सोचा सब छोड़ दूं, सब छोड़ दूं मैं? अरे भाई बाहर में छोड़ने की बात नहीं है, हो जाए जब निर्ग्रंथ मन, मन से निर्ग्रंथ होने की बात है, तू तन से निर्ग्रंथ होने की सोचता है। जो मन से निर्ग्रंथ होते हैं वे तन से निर्ग्रंथ तो हो ही जाते हैं, लेकिन तन से निर्ग्रंथ होने के पहले मन से निर्ग्रंथ हो। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। की गाथा है अष्ट पावड़ की, पहले मिथ्यात्व का त्याग कर, वो ग्रंथ ही है, ये निर्ग्रंथ कह रहे हैं ना, ग्रंथ माने क्या होता है, बांध रखा। दादा ने समय सार विधान लिखा ना, उस समय सार विधान की प्रथम पूजन में जो समुच्चय पूजन है, उस समुच्चय पूजन में जो अष्टक लिखे हैं, उस अष्टक में दो लाइनें रिपीट की है जल चंदन आदि के छंदों में, और उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी वहां है, समय सार निर्ग्रंथ, ग्रंथ निर्ग्रंथों का, क्या ऐसा लिखा है, समय सार बहुमूल्य, ग्रंथ निर्ग्रंथों का, क्या ग्रंथ समय सार बहुमूल्य ग्रंथ है, किसका, निर्ग्रंथों का, निर्ग्रंथों का ग्रंथ। ये निर्ग्रंथों का ग्रंथ क्या है, निर्ग्रंथ का एक तो ग्रंथ है ये शास्त्र, तो शास्त्रों से भी उपयोग हट जावे तो ग्रंथ छूटा और निर्ग्रंथ हो गया, ग्रंथ से ऊपर उठकर
निर्ग्रंथ। और एक ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है परिग्रह, ग्रंथ माने परिग्रह। तो परिग्रह का त्याग किया और निर्ग्रंथ हो गए। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, ये क्या है निर्ग्रंथों का मार्ग, ये क्या बात है जो निर्ग्रंथों के मार्ग की बात कही है। ये जो निर्ग्रंथों का मार्ग कहा गया है ना, ये मुनिराजों का मार्ग। निर्ग्रंथ माने मुनि, निर्ग्रंथ माने वीतरागी संत, निर्ग्रंथ माने अपरिग्रही। तो निर्ग्रंथ का अर्थ इस ग्रंथ से रहित, निर्ग्रंथ माने ये ग्रंथ है इस ग्रंथ से रहित, परिग्रह से रहित। और ग्रंथ शब्द का प्रयोग जिनागम में ग्रंथि का अर्थ डिक्शनरी में आपको मिलेगा गांठ के अर्थ में, ग्रंथ गांठ है, ये रस्सी को बांध देते हैं ना, तो उसका जो बंधन है वो ग्रंथि है। गूंथना, बंध जाना, बंधन, उसे ग्रंथि कहकर के पुकारा जाता है। तो असली ग्रंथ जो है वो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व की ग्रंथि टूटेगी तो तुम निर्ग्रंथ होंगे। इसने परिग्रह तो छोड़ा और अपने आप को निर्ग्रंथ समझता है, लेकिन मन में उस परिग्रह के प्रति अपनापन बना रहा तो परिग्रह छोड़ना कहलाता ही नहीं। मैंने कहा निर्ग्रंथ जब हो जाए मन, मन से निर्ग्रंथ होवे तो निर्ग्रंथ तब ही तू बने। निर्ग्रंथ कब बनेगा, जब मन से ग्रंथ छूटेगा। बाहर में अनंत बार छोड़ा, क्या आज तक अनंत बार हमने इनको छोड़ा है। ये राग की ग्रंथि नहीं टूटी, राग की ग्रंथि टूटे, बाह्य संपदा टूटे छूटे तो आत्मा के प्रति अपनत्व होवे, आत्मा की संपदा को प्राप्त करे। वस्त्रादि का ग्रहण का त्याग ये परिग्रह का पूरा त्याग नहीं है। ये समझता है कि हमने परिग्रह त्याग दिया, परिग्रह त्याग दिया, बाहर से छोड़ दिया। अरे नहीं भाई, ये छोड़ने को छोड़ना कहते ही नहीं। मैं हमेशा इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया करता हूँ। एक सेठ जिसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, FDI है, बैंक बैलेंस है, ये सब सेठ के नाम है। और वो सेठ मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया, जंगल में गया, वनखंड में गया मुनिराज के दर्शन करने के लिए। तो अभी वो अपनी संपत्ति तो साथ लेके नहीं जाएगा, अपनी FDI तो साथ नहीं ले गया है, फैक्ट्रियां तो साथ नहीं गई है। मैं आपसे पूछता हूँ वो परिग्रही है या नहीं है? परिग्रही है, साथ में कुछ भी नहीं है अभी उसके, छोड़ा नहीं है, फिर भी परिग्रही है, साथ में नहीं होते हुए भी। कि आप ये कहेंगे कि साहब बैंक तो बैंक बैलेंस तो उसी के नाम है, सारी FDI और सारी प्रॉपर्टी सेठ जी के ही नाम है, तो परिग्रही क्यों नहीं है? परिग्रही होगा ही वो। अब मेरा ये कहना है कि 5-10 मिनट मुनिराज का उपदेश सुनने के बाद उसके मन में दीक्षा लेने का भाव आ गया, वैराग्य का परिणाम आया और वहीं दीक्षा ले ली। बोलो कौरांग भाई, वो परिग्रही है या नहीं है? नहीं। अब नहीं है, लेकिन FD तो अभी भी उसी के नाम है, फैक्ट्रियां तो अभी भी उसी के नाम से चल रही है, कि चल रही होगी। क्या बदल गया 10 मिनट में? क्या बदला? अंदर से बदल गया, अंदर से बदला, बाहर से कुछ नहीं बदला, अंदर से सब कुछ बदल गया। अंदर से बदलने का नाम परिग्रह त्याग है, ये समझ लो। बाहर से वेश बदलने से कुछ नहीं होता। मैं इस संदर्भ में एक पौराणिक उदाहरण सदा दिया करता हूँ, जब भी ये प्रसंग चलता है, विशेषकर 10 लक्षण के प्रवचनों में ये चर्चा मिलेगी। हो सकता है पिछले वर्षों में कभी आपके बीच में की हो। दो मुनिराज हैं, एक का नाम है वारिशेण, एक का नाम है पुष्पडाल। सुना है आपने ये प्रसंग? वारिशेण नाम के एक मुनिराज हैं, राजघराने से थे, बहुत वैभव संपन्न। उन्होंने दीक्षा ली पहले, और दीक्षा लेने के बाद कई सालों हो गए दीक्षा लिए हुए। एक बार ऐसा प्रसंग बना कि एक श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए गए। वो श्रावक था पुष्पडाल,
वो इनके बचपन का मित्र हुआ करता था, दोस्त था इनके बचपन का, दोस्त था। हार लेने के लिए गए, इनको तो कोई विकल्प भी नहीं था, वितरागी संतों को इस बात का कहाँ विकल्प। लेकिन पुष्पडाल भी देखते ही जैसे ही पहचान गया, मन बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो मेरे दोस्त हैं यार, आज मेरे घर आए। बहुत खुश हो गया, मन में बहुत प्रसन्नता थी, उसको लगता था कि आज ये पहली बार आए हैं मेरे घर पे, बरसों बाद में मिले हैं, बचपन की कुछ बातें करेंगे, कुछ गप्पे लगाएंगे, चर्चाएं करेंगे। भाई जब होता ही है ना ऐसा, पुरानी बातें याद आती है कि अरे यार वो भी क्या दिन थे, पुराने दिन। जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन मुनिराज को तो इन बातों से कोई विकल्प ही नहीं था, मुनिराज के चित्त में तो किसी तरह का विकल्प नहीं था। उन्होंने तो आए, आहार ग्रहण किया, ये सोचा कुछ बोलेंगे, लेकिन वो बोले नहीं, मौन धारण करके आए मानो, ऐसा समझ लीजिए। आहार चर्चा के बाद वे तो बाहर निकलने लगे, इसका मन आकुलित व्याकुलित होने लगा कि यार ये क्या हुआ, ये मेरे से बोले क्यों नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो कोई बात तो नहीं बोले होंगे, बाहर चल के बोलेंगे। अभी तो वो बाहर निकले तो वो तो सीधे आगे बढ़ गए। इसे विकल्प आया कि बाहर निकलने के बाद कोई हाय हेलो बाय फिर मिलेंगे। कुछ तो होता ही है भाई, ये क्या है ये। लेकिन वो आगे बढ़ गए तो उनको लगा बहुत आकुलित व्याकुलित होकर के उनसे साथ साथ बढ़ गया आगे, बिल्कुल साथ साथ में आगे चलने लगा। जब काफी दूर आगे चल गया तो मुनिराज को भी विकल्प आया और मुनिराज ने उससे पूछा कि क्या बात है, मेरे ही साथ चलने की तैयारी है। ये वाक्य सुनते ही तो इसकी आकुलता बहुत कम हुई और उसको लगा कि हाँ क्यों नहीं, अब इतनी देर बाद में कुछ बोले सही, तो बोले हाँ चलूंगा आपके साथ चलेंगे। बोले मेरे ही साथ रहोगे? हाँ। अब क्या हुआ, साथ साथ में जंगल में चला गया और दीक्षा हो गई, कुछ बोल नहीं सका। अब मन में तो गृहस्थी चल रही है और बाहर में इसने दीक्षा ले ली है। मैं आपसे पूछता हूं वो परिग्रही है या नहीं है पुष्पडाल? परिग्रही है, निश्चित तौर पर परिग्रही है। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, यार मैं वाइफ को कह के नहीं आया, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी, बोल करके तो आता कम से कम, वो भोजन के लिए बैठी होगी, कहाँ चले गए। उनकी पत्नी थी वो कानी थी, एक आंख नहीं थी उसके, कानी स्त्री थी। कई दिन निकल गए लेकिन वो स्त्री के प्रति मोह इनका छूटा नहीं, अपनी पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति परिग रही है साफ साफ। वारिशीर्ण मुनिराज को ये इस बात को भांपते हुए देर नहीं लगी, आचार्य को तुरंत पता लग जाता है, तो देर थोड़ी ना लगती है, देखते रहे आप टूट जाएगा, आप टूट जाएगा। लेकिन पत्नी के प्रति मोह नहीं टूट रहा है, उसके दिमाग में वही वही घूम रहा है और चेहरे से बात ख्याल में आती है। तो वारिशीर्ण मुनिराज ने क्या किया, उसका मोह तोड़ने की भावना से अपनी माँ के पास में संदेश भेजा। इनकी 32 रानियां थी, पत्नियां थी, एक से एक अप्सराओं जैसी सुंदर। माँ के पास में संदेश भिजवाया किसी प्रकार से और कहा कि माँ हम राजमहल आ रहे हैं, और पत्नियों को कहना सच दच करके तैयार रहे। माँ भी घबरा गई, बेटा रागी हो गया, दीक्षा लेकर के गया था, हमारे कुल को बदनाम करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा खून है ये, ऐसा तो कायर तो हो नहीं सकता कि ये मुनि दशा की अवस्थाओं से डर गया हो और वापस घर गृहस्थी में आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन कारण क्या है, कैसे पता लगे, पूछूं कैसे इससे, और पत्नियों को सच दच के तैयार होने की बात कर रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है कुछ। तो उन्होंने क्या किया, माने आएगा राजमहल में, आएगा आसन तो लगाए लेकिन पास में एक लकड़ी का आसन भी लगा दिया। सच में रागी मोही हो गया होगा तो सिंहासन पर आकर के बैठेगा, सोने के सिंहासन पर बैठेगा, और यदि रागी मोही नहीं हुआ होगा तो लकड़ी के काठ के आसन पर आकर के बैठेगा। आए वारिशेन के साथ में पुष्पडाल भी आए, दोनों आए वहां, मोही तो हुए नहीं थे, लकड़ी के आसन पर बैठ गए। आदेश दिया, मां बुलाओ सभी पत्नियों को, एक एक करके पत्नी आई सामने। वारिशेन की तो दृष्टि क्या पड़ी उनके ऊपर, पुष्पडाल देखता रहा, ऐसी पत्नियां इनकी, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां, क्या इनको अपनापन नहीं है, इनको याद नहीं आती इनकी, मन में विचार करता रहा।
अब वो पत्नियां सामने आकर के लाइन से खड़ी हो गई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कहानी पूरी नहीं सुनानी है। फिर बाद में लास्ट तो फाइनली यही है कि पुष्पडाल का मोह टूट गया और फिर वो सच्चे मुनि हो गए। बात की बात है, अभी मेरे को इस घटना के माध्यम से अतुल भाई आपसे ये पूछना है, क्या सुरेश जी, ये जो वारिषेण मुनिराज हैं ये परिग्रही हैं या नहीं है? नहीं है। और अब तक जो पुष्पडाल थे वो परिग्रही थे या नहीं थे? थे ना। मुझे ये कहना है यार, क्या उठपटांग जवाब देते हो आप। एक व्यक्ति पत्नी और परिवार छोड़कर जंगल में बैठा है और तुम उसे कह रहे हो परिग्रही है, और एक व्यक्ति राजमहल में अपनी पत्नियों के बगल में खड़ा है और तुम कह रहे हो कि परिग्रह नहीं है। बोलो। पत्नियां सामने खड़ी हुई है, माँ खड़ी हुई है, अपने राजमहल में है और तुम ये कह रहे हो कि परिग्रही नहीं है, और वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में है और परिग्रही है, कि भाई साहब ये है जैन दर्शन। ये बाहर से नहीं पकड़ता है, ये अंदर से पकड़ता है। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन, मन निर्ग्रंथ नहीं हुआ तो तू निर्ग्रंथ नहीं है। निर्ग्रंथ बनने के लिए बाहर से निर्ग्रंथ नहीं, मन से निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा। और जब तू निर्ग्रंथ हो जाएगा फिर क्या होगा? निर्ग्रंथ जब हो जाए तू, तब मुक्ति का मार्ग मिले। जब तू निर्ग्रंथ हो जाएगा, बाहर का ग्रंथ भी छूटेगा और अंदर से मिथ्यात्व की ग्रंथि, मोह की ग्रंथि, और फिर धीरे धीरे करके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि की भी ग्रंथियां खुलती चली जाएंगी, तब तू सच में निर्ग्रंथ बनेगा। ग्रंथि शब्द का अर्थ यदि बंधन है, गांठ है, तो गांठ पांच है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, पांच है ना। ये पहली गांठ लगी, एक दो तीन चार पांच लगी है, अब इन पांचों में से सबसे पहले कौन सी छूटेगी? मिथ्यात्व की छूटेगी। अब ये मिथ्यात्व की फर्स्ट गांठ, गांठ को छोड़े नहीं, खोले नहीं, और अविरति की गांठ को खोलने का प्रयास करे तो क्या होगा? खुलेगी तो नहीं पौरांग भाई, खुलेगी नहीं, ये मिथ्यात्व वाली गांठ और मजबूत हो जाएगी। आप करो, गांठ बांधो, एक दो तीन चार पांच बांध दिया हमने, ठीक है अतुल भाई, अब फर्स्ट वाली को खोलो तो ठीक है, और फर्स्ट को नहीं खोल करके सेकंड को खोलने का प्रयास करो, तो सेकंड को आपने प्रेशर लगाया ना, तो फर्स्ट और थर्ड ये खिंचती है, ये मजबूत होती है, वो टाइट होती है। इसका मतलब मिथ्यात्व को छोड़े बिना यदि ये व्यक्ति व्रत ले लेता है, मिथ्यात्व को छोड़े बिना अविरति अंगीकार करता है, प्रमाद छोड़ने की बात करता है, तो सुन, मिथ्यात्व वाली ग्रंथि तो खुलेगी ही नहीं बल्कि मजबूत और हो जाएगी। इसलिए पहले भाव से नग्न होने की बात आचार्यों ने यहां कही है, और जब निर्ग्रंथ हो जाएगा तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा ही, क्योंकि वास्तव में मार्ग तो निर्ग्रंथों का ही है। ये जिन शासन का मार्ग, ये निर्ग्रंथों का मार्ग है, इसलिए निर्ग्रंथ होने के लिए ग्रंथि को सर्व प्रकार से तोड़ देवे, ऐसी बात यहाँ व्यक्त की गई। अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रह को त्याग कर हम अल्पकाल में परमात्मा बने, तो साहब निर्ग्रंथ हो जाएंगे तो जंगल में जाना पड़ेगा छोड़ करके। जाना पड़ेगा। वचन दिखता है कथनों में, है? भार लगता है माथे पर, तो आचार्य देव कहते हैं कि तू सुन आगे, क्या तुझे निर्ग्रंथ होने के लिए, तुझे भगवान बनने के लिए, तुझे परमात्मा बनने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो 74 नंबर गाथा बहुत ही मार्मिक है, क्या ये वही गाथा है जो परम शुद्ध निश्चय की विषयभूत दिखाई देती है, जैसी इसके बाद वाली तो और जबरदस्त आएगी, 75 नंबर की गाथा। अभी कोशिश करेंगे अपन कि दोनों की ही चर्चा करें, 75 तक बात करें। देखो, जिस भांति बड़ में बीज है उस भांति बड़ भी बीज में, बस इस तरह त्रैलोक आत्म बस इस। हेलो, क्या कह दिया? जिस भांति बड़ में बीज है, वट वृक्ष, बड़ बड़ के जानते हैं, बड़ का पेड़,
बहुत विशाल वृक्ष होता है बड़का, वो जो विशाल वृक्ष है उसमें बीज है। दो तरह से अर्थ कर सकते हैं हम, उस विशाल वट वृक्ष में जो फल फूल लगे हैं उनमें बीज मौजूद है, तो बड़ में बीज है। और एक दूसरे प्रकार से अर्थ किया जा सकता है कि उस पूरे वट वृक्ष में वो बीज ही व्याप्त है। आखिर बीज ही तो फूटा था धीरे धीरे करके, तो उस पूरे वृक्ष में कौन व्याप्त है कि बीज, और उस भांति बड़ भी बीज में। उसी भांति यदि देखो तो जो बीज दिखाई दे रहे हैं इन बीज में भी वो वट वृक्ष छिपा बैठा है। इतने से छोटे से बीज में वट वृक्ष बड़ा बड़का पेड़ है कि हाँ इस बीज में पेड़ है भाई साहब। ज्ञानियों को दिखता है, समझदारों को दिखता है, किसानों को दिखता है, बच्चों को समझाते समय कहते हैं बेटा ये बीज है ना, इस बीज में पूरा आम का पेड़ छिपा है, छोटे से बीज में, इस आम की गुठली में, इस गुठली में आम का पेड़ है, इस बड़ के बीज में आप बट वृक्ष है। उसी तरह से इसे एग्जांपल दिया, उसी तरह से बस इस तरह है त्रैलोक के जिन, ओ हो तीन लोक का नाथ है ये त्रैकालिक त्रिकालवर्ती महापुरुष, अनादि अनंत अनादि नाथ, ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप, ये कारण परमात्मा, ये परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत तत्व, ये त्रैलोक के जिन त्रिकाली ध्रुव आत्म बसे इस देह में। क्या बात कर रहे हो साहब, तीन लोक का नाथ और इतने से देह में, कि हाँ इस देह में तीन लोक का नाथ विराजमान है। एक बार द्रव्य दृष्टि करके देखो कितनी कितनी सुंदर बात कह दी है। 74 नंबर की इस गाथा में ये कितनी सुंदर बात कह दी है, कैसा आश्चर्य लगता है हमारे को कि तुम अनुभव तो करो इस चीज को, मुख्य करके देखो तुम, तुम उस आत्म तत्व को मुख्य करोगे तो तुम्हारे को अंदर परमात्मा, देह में परमात्मा दिखाई देंगे। है शरीर, कोई भी शरीर हो, बाहरी ऊपर के आवरण से फर्क नहीं पड़ता है, अंदर मौजूद माल कैसा है ये बताओ। अंदर माल वो है जो सिद्धों जैसा है, वो फिनिश गुड्स है, ये रॉ मटेरियल है। ये खान से निकला हुआ पत्थर है और वो फिनिश करके बनाई गई प्रतिमा है। ये प्योर गोल्ड दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, और ये खान से निकला हुआ है। खान से निकले हुए को देख करके हमें ऐसे लगता है यार बेकार है, और उसको देख करके लगता है यार बहुत सुंदर है। अरे ये क्या हुआ, ये स्फटिक की प्रतिमा बनी ना अभी इंदौर की, बहुत बड़ी प्रतिमा बनी, तो उसका पत्थर और स्फटिक की और प्रतिमाएं दिखाने के लिए वो व्यक्ति हमारे को ले गया था अपने गोडाउन पे, और उसने हमारे को पत्थर दिखाया। जो पत्थर उसने हमारे को दिखाया इतना गंदा इतना खराब पत्थर था, देख करके ऐसा लगा यार ये है ये पत्थर, कि बोले सुनो ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, इस पत्थर से जो प्रतिमा बनेगी वो ऐसी बनेगी। ऐसी माने ये फिनिशिंग, ये क्वालिटी, ये ट्रांसपेरेंसी, ऐसा ऐसी पानी जैसी झलक, बोले ये इस पत्थर में है, ये तुम्हारे को ऊपर से देखने पे नहीं दिखाई दे रहा है, जब इसकी कटिंग होगी, जब इसकी घिसाई होगी, जब पॉलिशिंग होगी तो फिर देखना आप ऐसा बनेगा। आपको यदि वो पत्थर खरीदने के लिए कहे ना तो आप तैयार नहीं हो क्या? जो पत्थर से बने हुए, उन रत्नों से बने हुए जो आभूषण है, या वो जो रत्न राशि है, वो जो डायमंड है, रूबी है, एमराल्ड है, ये सफायर है, ये सब जो आप जिनके ऊपर आकर्षित होते हो, जिनको देख करके, और जिन्हें आप हजारों हजारों डॉलर दे करके खरीदने के लिए तैयार हैं, 5-10 हजार 15 हजार डॉलर दे करके खरीदने के लिए तैयार हो, वो यदि आपको रॉ मेटेरियल दिखाया जाए तो आप उसे हजारों डॉलर तो छोड़ो, 5-10 हजार तो छोड़ो, 5 डॉलर में भी खरीदने को तैयार नहीं हो। दृष्टि का खेल है कुल मिलाकर के, जिसकी दृष्टि में उस रफ को देखते समय भी वो दिख रहा है वो उसकी कीमत समझता है। आज इस देह को देखते समय भी
रागी को समझ देखते समय, कषाई को देखते समय, विकारी जीव को देखते समय, विकार के काल में भी निर्विकारी तत्व दिखे, कषायों के काल में भी अकषायी तत्व दिखे, ऊपर से अशुद्धता और अपवित्रता दिखाई देने पर भी अंदर की पवित्रता जिसके ज्ञान में दिखे, इस अपवित्रता को गौण करे, देह की मलिनता को गौण करे और ज्ञायक की उस शक्ति सामर्थ्य वो केवल ज्ञान स्वरूप को मुख्य करे, तो वो आनंद आए बिना नहीं रहे। बोलो, उस आनंद की बात कर रहे हैं। दूसरी और गाथा इसी के साथ में जोड़ दी गई है। ये तो सब शक्ति की चर्चा की है, शक्ति ऐसी मौजूद है। देखो 75 नंबर गाथा में क्या कहते हैं, जिन देव जो में भी वही इस भांति मन निर्भ्रांत हो, है यही शिव मग योगी जन नाम मंत्र एवं तंत्र। लो, कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है। और दूसरे प्रकार से अर्थ करो तो बोले यही एक मंत्र है, एक मंत्र दे रहा हूं आपको। क्या एक मंत्र मंत्र बता रहे हो? हाँ बताओ। ये ऐसा सोचता है मंत्रों के माध्यम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अरे साहब ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करो फिर देखना आप चमत्कार। ऐसी बातें की जाती है ना जगत में। इस मंत्र का एक बार आप मेरे कहने से जाप करके देखो, 3 घंटे जाप करो इस मंत्र का फिर देखना आप। 1 साल आप इस मंत्र का जाप करो, रोजाना 1 माला का जाप करना 1 साल के लिए, फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेज होंगे आप खुद अनुभव करोगे, आप खुद दौड़े चले आओगे हमारे पास में। एक बार जाप करो इस मंत्र का 1 साल के लिए, बस ज्यादा नहीं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, तुम सिर्फ 6 महीने के लिए इसका जाप करो। गारंटी दे रहे हैं 1-6 महीने के लिए तुम हमारे द्वारा कहेगे इस मंत्र का जाप करो। कि मंत्र क्या है, जिन देव जो मैं भी वही, बस ये मंत्र है, ये मंत्र है, मैं वह हूं जो है भगवान। कल जो कही थी वर्णी जी के कीर्तन की लाइन, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टातम राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। क्या कह रहे हैं साहब, अपने आप को भगवान कह रहे हो आप? कि हाँ मैं वो हूँ भाई साहब जो भगवान है, कोई अंतर नहीं है मुझ में और परमात्मा में, कोई अंतर नहीं है मुझ में और वीतरागियों में, कोई अंतर नहीं है। अरे आप क्या बात कर रहे हो, वे सर्वज्ञ ये अल्पज्ञ, वो अनंत सुखी ये महादुखी, वो अपरिग्रही ये परिग्रही, वो अकषायी ये कषायी, वो पूर्ण ज्ञानी ये अल्प ज्ञानी, जमीन आसमान का अंतर है, कहाँ हम और कहाँ परमात्मा। हाँ हम कहाँ विषय कषायों में रचे पचे और वो कहाँ इन सबसे मुक्त हो गए हैं। कितना अंतर दिखाई देता है इन दोनों में, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है उनमें और इसमें। बोलो क्या करें, कि तुझे अंतर दिखाई देता है ना इसलिए अंतर बना रहेगा। आचार्य वादीप सिंह सूरी क्षत्र चूड़ामणि में बहुत सारी नीतियां देते हैं, नीति नीति का ग्रंथ है ऐसा समझ लो, नीति भी है अध्यात्म भी है स्टोरी भी है, प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, क्षत्र जीवंदर चरित्र है, जीवंदर स्वामी का जीवन चरित्र, माने 750 उसमें श्लोक हैं और 750 श्लोकों में more than 500 श्लोक नीति के हैं, जीवन कैसे जिया जाए। तो उसमें एक श्लोक दिया उन्होंने, जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। सही है। जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। अब आप क्या देखते हो ये देखो, आपको क्या दिखाई देता है। देखो जो व्यक्ति ये देखता है ना, यार उसके पास में कितनी अच्छी गाड़ी है, इसका मतलब ये अल्पकाल में ये गाड़ी लेने की भावना रख रहा है। जो व्यक्ति ये देखता है ना किसी दूसरे के बारे में, जिसके बारे में जो देखेगा, जिस व्यक्ति को कषायें दिखाई देगी वो कषायी हो जाएगा, जिस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति पसंद आ रहा है और उसकी बातें दिखाई दे रही, जो चीज पसंद आएगी वो व्यक्ति अपने में, वो चीज अपने में डेवलप होती जाएगी। ये नीतिकारों की नीति है।
अब तुम्हें यदि वितरकता पसंद आती है तो वितरकता डेवलप होगी, तुम्हें यदि सर्वज्ञ परमात्मा पसंद आ रहे हैं तो अपने आप में सर्वज्ञता का डेवलपमेंट होगा, उस गुण का विकास होगा ज्ञान गुण का। यदि तुम्हें परमात्मा पसंद आ रहे हैं तो तुम अल्पकाल में परमात्मा बन जाओगे। ये रास्ता है, ये मंत्र है, दूसरा और कोई मंत्र नहीं है। आप ये सोचो, ये महावीर भगवान ने कौन से मंत्र की साधना की थी भगवान बने तब? आदिनाथ भगवान ने कौन से मंत्र की साधना की जिससे वे परमात्मा बन गए? कुछ तो किया होगा उन्होंने। आखिर काय का ध्यान किया उन्होंने? ध्यान में बैठे तो किसी माला का जाप किया होगा। ये व्यक्ति कहता है सब कोई मंत्र बतलाओ मैं जाप करने के लिए, मैं ध्यान में बैठूंगा तो उस मंत्र का जाप करता रहूं। तो हमें ये बता दो, भगवान महावीर ने, आदिनाथ भगवान ने, शांतिनाथ स्वामी ने कौन से मंत्र का जाप किया था? इस मंत्र का जाप किया था, जिन देव जो मैं भी वही, जो जिन देव हैं वही मैं हूं। इस तरह मन निर्भ्रांत, भ्रांति नहीं, निर्भ्रांत हो जाए मन, मन में किसी तरह का विकल्प नहीं हो, किसी तरह की भ्रांति नहीं हो। किस नहीं नहीं साहब, फिर भी आप कुछ भी कहो, अंतर तो है ही ना। इसके इसके चित्त में कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती है साहब, आप कुछ भी कहो। हाँ बात तो ठीक है, परम शुद्ध निश्चय ने से ऐसा है, लेकिन फिर भी अशुद्ध निश्चय ने भी है ना। ये सब बात तो ठीक है, वो काम तो कारण परमात्मा से ही होगा, वो त्रिकाली ध्रुव भी है, कारण परमात्मा भी है, स्वभाव में नहीं है स्वभाव से देखो तो, लेकिन पर्याय में तो है ना भी थोड़ा बहुत। लेकिन कहकर के ये बात पलट देता है, लेकिन कहकर के मानो खीर में मूसल डाल देता है। अरे भाई, जब तेरे को ये परम शुद्ध तत्व दिखा रहे हैं, जब तेरे को यह एक परमात्मा दिखा रहे हैं, तुझे ऐसे गुरु मिल गए हैं जो तुझे बना बनाया भगवान कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं तुम ही परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान स्वरूप हो, तुम देखो तो सही अपने आप को, ऐसे गुरु मिल गए जो तुम्हें निरंतर, जो जिंदे हैं वही मैं हूं। अब बोलो, अब इस बात को क्या समझाएं, इस बात का बैठ करके आनंद लो आप, जो भगवान है मैं भी वही हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। बस बैठ जाऊं आंख बंद करके 10 मिनट के लिए और बैठे बैठे विचार करूं, हूं परमात्मा जी, परमात्मा हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं यार, मैं अपने आप को मनुष्य कह रहा हूं, मैं अपने आप को रागी कशाई कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं यार जीवन बहुत दुर्लभ है यार, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं स्वाध्यायी हूं, सैनी पंचेंद्रीय हूं, मिथ्यात्वी हूं, अपराधी हूं, मैं क्या कह रहा हूं? बोलो आप अपने आप के बारे में क्या समझते हैं, आप कौन है ये बताओ, कि तुम कौन हो ये तुम्हें पता नहीं है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति अभिमान में आकर के और एक अच्छे अभ्यासी अनुभवी विद्वान के पास में आकर के बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो उन विद्वान ने कहा कि हम तो सब जानते हैं, हम अपने आप को भी जानते हैं और तुम्हें भी जानते हैं, तुम बताओ तुम अपने आप को पहचानते हो क्या? तुम जो कह रहे हो ना कि मैं कौन हूं, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम हो कौन? तुम्हें जो ये लग रहा है ना मैं इतना बड़ा आदमी हूं, अरे तू जितना बड़ा कह रहा है इतना बड़ा नहीं, तू परमात्मा है। तू अपने आप को बड़ा सेठ समझ रहा है, तू अपने आप को बड़ा व्यापारी समझ रहा है, तू अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि मैं बहुत बड़े पद पर हूं, अरे कुछ नहीं है, तू परमात्मा है, इससे बढ़कर के कोई बात हो तो बता। जब ये प्रशंसा सुनता है ना, इसको बड़ा अच्छा लगता है, ये प्रशंसा में सुनना चाहता है कोई मेरी तारीफ करे, और जो तारीफ सुनता है उसमें प्रसन्न होता है, सुनो भाई ये तीर्थंकर परमात्मा ऐसी तारीफ कर रहे हैं, ये ऐसी बात कह रहे हैं मेरे बारे में कि मेरे से ज्यादा महान इस 3 लोक में कोई नहीं है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या महिमा होगी, मेरे से ज्यादा उत्कृष्ट इस पूरे सृष्टि में अनंत अनंत जीवों में से कोई जीव ऐसा नहीं है जो मेरे से ज्यादा महान हो, बराबर तो सब है क्या, लेकिन मेरे से ऊपर कोई नहीं है।
तीन लोक तीन काल में अनादि काल से मेरे से ऊपर कोई नहीं रहा है, मैं हूं कौन, वो तत्व हूं मैं। लेकिन ऐसा विचार करते ही जैसे ही अभिमान हो, तुरंत कहते हैं जैसा तू वैसे सब। क्या अभिमान भी नहीं, दीनता का भाव भी नहीं आए। अरे सारे राग और सारी कषायें मिट जाए, ये ऐसा तत्व है ये, ऐसी बात यहाँ कही गई है, मूल प्रयोजन की बात कही गई है। मैं उस परमात्मा जैसा ही हूं, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। मन में विकल्प मत कर, मुनि हो गए साहब, मैं तो मुनि हूं वो भगवान है, ये अंतर तो है ही ना, इतना अंतर तो है ही। अभी तप के प्रभाव से हमारे अवधि ज्ञान हो गया है, मैं क्षयोपशम ज्ञानी हूं, दीक्षायिक ज्ञान वाले ये नहीं है। मैं आवरण सहित हूं, वे निरावरण है। मैं शरीर वाला हूं, वे अशरीरी है। ये अंतर तो है ही ना, कि तू ऐसे अंतर कितने भी निकाल ले। लेकिन यहां ये कह रहे हैं मन में भ्रांति मत रख, अंतर देखता है तो भ्रांति खड़ी होती है, अंतर न देखे तो यही मोक्ष मार्ग है और यही परमात्मा बसता है। है यही शिव मग योगी जन, योगी जन कहते हैं यही मोक्ष मार्ग है। अस्सीवी गाथा जैसा है, जो जान दिया रंधम दवत गुणत पज्जे ते हिम, सो जान दिया पाणम मोह कर जाते तस्सले। अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। गुरुदेव ने बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में कही। मन तो ऐसा होता है कि उन बातों को सिर्फ पढ़ते रहो, ऐसे ऐसी ऐसी व्याख्याएं किए गुरुदेव के प्रवचन इस योग सार के ऊपर। हम तो मोटी मोटी चर्चा कर रहे हैं दो लाइनों के बारे में, मूल में तो गुरुदेव के प्रवचन पढ़ो तो आपको असली माल मिले। इसके बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं? अरे गुरुदेव इसके बारे में कौन से प्रवचन में नहीं कहते, ये बताओ। हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, इसको प्रतीति में ले, सब परमात्मा है। हर प्रवचन में घूम फिर करके ये बात आती है, हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, परमात्मा हूँ। कहाँ से कहते हैं वो बात, कहां से आई है ये बात? अंतर में अपने आप को परमात्मा अनुभव करते हैं तो वाणी से परमात्मा अपन की चर्चा निकलती है। ये कैसे किया उन्होंने अपने आप को परमात्मा अपन अनुभव, कि उन्होंने इन वीतरागी संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया, इन संतों के द्वारा कही गई बात को समझा उन्होंने कि तू परमात्मा है जिनदेव, जिनदेव जो मैं भी वही, जो जिन सो हऊ सो भी हऊ, बोलो जो जिनेन्द्र है सो मैं हूं। मिलेगा कोई आपको ऐसा कहने वाला? आस पड़ोस में कौन मिलेंगे आपको? पत्नी आपको क्या कहकर के पुकारेगी? बच्चे आपको क्या कहेंगे? ये तो समझते ही नहीं है। इनमें तो अकल ही नहीं है। आप रहने दो पापा, क्या अब आप में अब जमाना बहुत बदल गया है। आपको लोग कैसे मिलेंगे? दोस्त आपको कैसे मिलेंगे? आपको जानने परिचित लोग कैसे मिलेंगे? जानने वाले और परिचित लोग आपको दोस्त हमेशा, तू तो मूर्ख है, बेवकूफ है तू तो, रहने दे। वो आपको बेवकूफ कहेंगे, वो आपको मूर्ख कहेंगे। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मूर्ख कहकर के पुकारेंगे, पागल पे कहकर के पुकारेंगे। तुम तो समझते ही नहीं हो, तुम्हारे में तो अकल ही नहीं है। माने ये चारों तरफ हमारे को इस तरह की बात सुनती हुई दिखाई देवे, और ऐसी बातों के बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति आकर के हमसे ये कहे कि तुम परमात्मा हो, तो इसको भरोसा नहीं होता। वो ज्यादा सुन रखा है। इसने आज तक यही सुना है क्या? ये विकारी है, कशाई है, रागी द्वेषी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, नादान है, ना समझ है। देखो बड़े हो गए तो आज बच्चे हमारे को ये बात कहने लगे। जब बच्चे थे हम तो माता पिता हमारे को ये कहते थे, चुप रहे, समझता कुछ नहीं है तू, फिर में अकल नहीं है। जब हम बच्चे थे तो हमें हमारे माता पिता ना समझ कहते थे। जब हम थोड़े से समझदार हो गए, हमें लगने लगा कि अब हम समझदार हो गए, तो हमारे बच्चे हमारे को कहते हैं कि तुम ना समझो, तुम्हारे में समझ नहीं है। माने बच्चे हों चाहे बड़े हों हमारे, वो हमारे को निरंतर ना समझ कहते रहे। बच्चों ने भी कहा, माता पिता ने भी कहा, और एक पत्नी आई थी जिसमें बहुत अपनापन था। वो भी हमारे को ना समझ कहती रही। तो हमारे दिलो दिमाग में इतना ऐसा हावी हो गया कि हम ऐसा ही समझने लग गए कि मैं तो ना समझी हूं,
सच में मुझ में तो कोई समझ ही नहीं है, मुझ में तो ज्ञान ही नहीं है, मैं तो दुखी हूँ, ऐसा ही समझने लगे। और ऐसा होते हुए एक महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया जिसने कहा कि तुम परमात्मा हो। भरोसा नहीं हो तो ये गाथाएं खोल खोल करके दिखाई हमारे को, ये ग्रंथ खोल खोल करके दिखाए। ऐसी गाथाएं पहले भी आई थी, ध्यान है आपको, 20-22 नंबर की गाथा थी इसी में, इसी ग्रंथ में है, आत्मा परमात्मा परमात्मा ही आत्मा, गाथा थी पढ़ी है अपन ने 2-4 साल पहले, हे आत्मा परमात्मा परमात्मा ही आत्मा, यह जान कर हे योगी जन कोई विकल्प करो नहीं। मानो रिपीट कर दिया उस गाथा को, शब्द बदल दिए। इससे सिद्ध हो रहा है कि ग्रंथ नहीं लिख रहे थे आचार्य देव, यहां इनको नई नई बातें नहीं बतानी है, ये शास्त्र लिख रहे हो साहब कोई नई बात बताओ, कोई नई बात, अरे नई बात नहीं बतानी है, जैसे भी बन पड़े बस तुझे ये निर्णय हो जाए कि मैं ही परमात्मा हूं, जैसे भी बन पड़े राग से रहित चैतन्य तत्व की अनुभूति हो जाए, ये निर्विकारी तत्व विकार के काल में दिखाई दे, विकार रहेगा पर्याय में होगा विकार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर्याय का विकार पर्याय में रहने दो, लेकिन जिसकी दृष्टि स्वभाव पर होती है वो पर्याय में भी निर्विकारी हो जाता है। पर्याय में निर्विकारी होने के लिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि मैं स्वभाव से निर्विकारी हूं, इस बात की स्वीकृति हो, ये स्वीकृति है या नहीं, ये पर्याय का विकार है, ये पर्याय के साथ में चला जाता है। बर्फ के शिलाखंड के ऊपर यदि समझ लीजिए कुछ होली का कलर पड़ा हो, होली खेलते हैं ना, कलर गिर गया हो उसके ऊपर बहुत सारा, अब उस कलर को धोने के लिए कितना पानी लाना पड़ेगा, कितने साबुन लगाने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं। वो जो ऊपर की मलिनता है ना, ये बर्फ के ऊपर की मलिनता की बात कर रहे हैं, तो हाथ फेर ऊपर से वो पानी पानी हो रहा है, वो अपने आप ही ऊपर का मैल धुलता चला जा रहा है। ये जो तुरे में राग उत्पन्न हुआ है, आनंदानुबंधी आदि दिखाई दे रहे हैं, उल्टी मान्यता विपरीत मान्यता आदि दिखाई दे रहे हैं, इन सबको धोने का उपाय क्या है? तेरे को धोना है ना, चिंता मत कर, इसका स्वभाव ही अपने आप धुल जाना है, ये टिकते नहीं है। तू भ्रांति मत रख, विकल्प रखेगा तो ये बना रहेगा, और विकल्प तोड़ देगा तो सब धुल जाएगा। ये धोने का उपाय है, ये महामंत्र दिए हैं, जिन देव जो मैं भी वही, जैसा जिन देव हैं वैसा ही मैं हूं। इस भांति क्या करना है, इस प्रकार क्या करें, निर्भ्रांत होना है, मन में भ्रांति नहीं रही किसी तरह की, साहब मैं कैसे मानूं, अभी तो दिख रहा हूं ना मैं संसारी, घर गृहस्थी में बैठा हुआ मैं परमात्मा मान लूं, ये तो झूठी है ना, आखिर भरोसा नहीं हो रहा है इस बात के ऊपर कि भरोसा करना पड़ेगा भाई साहब। है यही शिव मग, यही मोक्ष मार्ग है, करो भरोसा, यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग बाहर से नहीं, अंदर से निकलता है, बाहर है ही नहीं, है यही शिव मग, हे योगी जन, हे संत, हे साधु, हे तपस्वी, हे वैरागी, हे सन्यासी, हे मुनि, यही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ना मंत्र एवं तंत्र है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। क्या गुरुदेव वो 64 पहर वाली तिखास का उदाहरण देते थे, लेंडी पेपर का, घिसो उसको अंदर से, वो जो तीखापन है वो कहां से आ रहा है, अंदर है, तेरे स्वभाव में अनंत ज्ञान भरा है, तेरे स्वभाव में अनंत सुख भरा है, स्वभाव में अनंत आनंद भरा हुआ है, अनंत शक्ति का अभेद अखंड पिंड हूं मैं, ज्ञायक प्रभु परमात्मा, इतनी शक्तियां हैं मेरे में। मैंने कही थी शायद यहां ये बात, पता नहीं 2-4 जगह कही मैंने, अभी कहाँ कौन सी जगह कही मैंने, मैंने कहा वहाँ एक जगह प्रवचन किया मैंने दिल्ली में, तो मैंने कहा वहाँ कि वो बहुत शक्ति आए मेरे में, कही थी क्या यहाँ,
ये जो है ना क्या करते हैं भाई साहब, वो जैसे एसपी भारिल आ रहे थे वहाँ, हमारे भी प्रवचन चल रहे थे, तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जगह जगह, तो कहा अरे आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, और ऐसे स्पीकर हैं और हजारों लोग उनको सुनने के लिए तरसते हैं, ऐसा ऐसा बहुत बहुत बातें कही। तो हमें जो विकल्प आया वो हमने वहाँ कह दिया, हमने कहा कि इतने होर्डिंग हमारे भी लगाओगे ना तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी मंदिर में। भाई जमाना तो प्रचार का ही है ना, तो आपने पहले ही उनका सुनने के लिए वैसे ही लोग आते हैं बहुत, और तुम इतना अब उनका तो प्रचार नहीं भी करो तो भी लोग आएंगे, तुम प्रचार तो दूसरे विद्वानों का करो। समझ में आ रही है? माने समझ लीजिए, अभी अभी अभय जी आए, राजन पंडित जी आए सुनाने के लिए, सुमत प्रकाश जी आए, तो बैनर के अंदर एक नाम लिख देगा और ये मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर बड़े बड़े बैनर लगा देगा। तो हम कह रहे हैं कि तुम एक बार ये लिखो। मैंने कहा सुनो, तुम आगे से बैनर छापो ना तो उसमें मेरे नाम के पहले लिख देना, बता देना लोगों को कि ये जो आ रहे हैं ना इनमें बहुत सारी शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं। तो अच्छा लोगों को क्या लगता है, लोगों को तो यही चाहिए, अरे साहब बहुत शक्ति, उनके पास में बहुत शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। ये बात सुनकर के लोगों को तुरंत अट्रैक्शन होता है, अच्छा भैया रिद्धियां शक्तियां। तो पंडित जी सच्ची बात है कि झूठी बात है, ये तो बता दो। मैंने कहा बहुत शक्तियां हैं, सच कह रहा हूँ, सीरियस होकर के मैंने ये बात कही। अच्छा, वो भी एकदम ऐसे आंखें फाड़ के देखने लगी मेरी तरफ। तो मैंने कहा भाई साहब बहुत सारी हैं, एक है जीवत्व शक्ति, एक है चित्त शक्ति, एक है दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति। तो लगता है यार क्या बात कह रहे हो आप, ये शक्तियां हमारे में नहीं है, ये रिद्धियां हमारे में नहीं है, हमारे में पावर्स नहीं है, तुम्हें उसकी वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है। तुम्हारे पास में क्या है? जिन देव जो मैं भी वही, ये परमात्मा को देख और अपने आप को देख, कोई अंतर नहीं है दोनों में। विकल्प मत करना, क्योंकि ये विकल्प तेरे उस अतिंद्रिय आनंद में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। निर्भ्रांत होकर के सब भ्रांतियों को तोड़ करके, सारे विकल्पों को रोक करके एकमात्र ये काम करने योग्य है। निर्भ्रांत होकर के ये चिंतन कर, ऐसे चिंतन करने की प्रेरणा आचार्य देव ने यहाँ दी है। हम सभी इस प्रकार का चिंतन करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।